एक मिनट ये नकरोंदा में महिलाओं द्वारा रामलला का मंचन किया जा रहा है। ये देहरादून में शायद पहला वो है जो कि एक प्रेरणादायक बहुत ही नया कंसेप्ट है। हालांकि कुमाऊं में तो शायद इसका मंचन बराबर होता है, हमने सुना है देखा भी, लेकिन देहरादून में जो ये इस तरह से किया गया, ये किसकी सोच थी, किसने किया, तो उसको बहुत साधुवाद। आप पहले, आप राम श्री रामचंद्र जी हैं, अपने बारे में पहले बताइए। मैं यही नकरोंदा सिपुरम लेन नंबर 2 में रहती हूँ। फिर हमने शुरुआत करी थी कि एक महिला रामलीला की तैयारी की जाए, तो उसमें हम संतोषी रावत और कलावती रावत जी का सका लक्ष्मण जी आपके बगल में हैं, उन्होंने भी अच्छा किरदार निभाया, तो वो भी थोड़ा सा वो बताए। जय श्री राम, जय श्री राम। हमने महिलाओं के बारे में आगे सोचा कि महिलाएं हर चीज में आगे हैं, तो क्यों ना इस रामलीला को उठाया जाए और उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हमारे पास है रामचंद्र जी की सेना के मुख्य सेना बोले जाए हनुमान जी, जो कि परम बलशाली पूरे विश्व के वो माने जाते हैं। उनका किरदार एक जिस समय उनका किया जा रहा था, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि साथ साथ हनुमान जी वहाँ पे आ रखे हैं। हमने वो सीन देखे, शायद प्रभु की लीला है ये, हम मिलवाते हैं आपसे। आपका शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अशोक सिंह नेगी है जी। मैं के ग्राम सभा से आ रखा हूँ। यहाँ पे मुझे रोल करने के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी आपने इसका मंचन किया है, हनुमान जी का पाठ किया। मैं लगातार हनुमान का रोल करती रहता हूँ। हनुमान जी की कृपा ही ब्रह्मचारी बजरंग बली है, तो इसमें ये पात्र महिलाओं को नहीं दिया गया, इसलिए पुरुष को नहीं दिया गया। ये प्रेरणा आप लोगों का कहाँ से मिली, किसकी सोच थी? पहले उस समय लोगों को प्रणाम जो हमारी मातृशक्ति ने कहा कि हम महिला का अंगीकार कर रहे हैं, हमने मीटिंग में बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा कि मातृशक्ति अपने आप में बहुत ही बड़ी ताकत है। हमने कहा बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, सभी का सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। मुझे अपने आप ही विचार बढ़ गया महिलाओं का, और विचार बढ़ गया तो आज पूरी जनता के सामने है, और अपना पहले कार्य में कर मातृशक्ति जो है इस समय जो भागीदारी जैसे सरकार में मिल रही है, आप लोग इस मातृशक्ति के द्वारा अभी क्या सामाजिक कार्य यहाँ पे इस तरह से
ये तो रामलक आपने ये किया, बहुत अच्छा मैसेज जा रहा था। मैं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ जी, सुलोचना इष्टवार जी। और हमारे मैं अपनी महिलाओं के लिए समाज से भी जुड़ी हूँ और वैसे हर चीज में जुड़ी रहती हूँ। अपनी जहाँ मेरी मातृशक्तियाँ खड़ी होती है वहाँ मैं अवश्य खड़ी होती है, मेरा है। यदि किसी ने पूछ लिया तो देखो बिना होता ये वो बता दे तो हमें पता कहाँ से लगता। देखो ये सामाजिक हुआ है जी, ये तो एक आप एक माध्यम है कि हम एक इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आपके कई क्षेत्र की समस्या है, कई वो है, उनमें भी आप लोग इसी तरह से। बिल्कुल सर, हमारी तो भागीदारी रहती है। कल मैं उत्तराखंड के मूल निवास भूकानून के लिए भूकड़ताल में थी और रात को यहाँ पे रावण का अभिनय करने के लिए आई और दिन भर भूकड़ताल में थी, गिरफ्तार भी हुई। तो मैं तो समाज से भी जुड़ी हूँ और ऐसे अपने ऐसे कामों से जुड़ी हूँ, क्योंकि समाज में कई बुराइयाँ जो है उनको दूर करने का एक माध्यम आप लोगों के सशक्तिकरण जो है ये बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा उदाहरण आपको इस चैनल के माध्यम से अब आपको दिख रहा है, ये महिला सशक्तिकरण किसी को कहते हैं तो, कि महिलाएं अपने आप में मजबूत हो रही है। आज रामलीला का वो कि आप लोग ना आगे इसी तरह से कुछ और प्रोग्राम से सर, बिल्कुल ऐसे तो बनता है संगठन और महिला सशक्तिकरण का हम लोग खुद उदाहरण है। मैंने जो रावण का अभिनय किया, लोग रावण को बोलते कि रावण घमंडी था, ही रावण के बराबर विद्वान कोई नहीं था और रावण कायर नहीं था। सबसे बड़ी मैं उत्तराखंड में रह रही हूँ, उत्तराखंड के लोग अपने अधिकारों के प्रति बोल नहीं पाते, इससे बड़ी कायरता क्या है। रामलीला के लिए आपने इतने महिलाओं को पार्ट जो इन्होंने किया, इसका कोई ट्रेनिंग या कुछ इस तरह से रिहर्सल कराई? बिल्कुल सर, रिहर्सल तो हो रखी है। हाँ, रिहर्सल हुई है, मतलब उतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि ये फर्स्ट बार है, लेकिन मंचन अच्छा हो रहा। आगे जनता स्वीकार करे तो अच्छा, भैया इतनी जनता इस ठंड में यहाँ बैठी है, मतलब जनता स्वीकार कर रही है। जनता का भी मैं आभार करना चाहूँगी, दिल से हार्दिक आभार करना चाहूँगी, जनता स्वीकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।